इसके पूरा उल्टा तरफ आप देख सकते हो डाइनिंग हॉल वन, जिसमें हम खाना खाते हैं डाइनिंग हॉल वन में। तो ये है हमारा ब्लॉक, ये हॉस्टल, आप देख लो। तो यही रास्ता सबसे शॉर्टकट है। एक आसमा का मेन जो थीम वाला पेंटिंग होता है हर साल एक नया नया बनता है, ये है आसमा का मेन थीम वाला पेंटिंग। ये बस नया बना है, इसमें एमबीबीएस और पैरामेड के फर्स्ट ईयर वाले बॉयज सारे रहते हैं। ये है हमारे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल। ये हॉस्टल का पीछे वाला पार्ट है जो दिख रहा है आपको, और ये एक रोड है जहाँ से हम कैंपस में अभी जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी एम्स भुवनेश्वर का कैंपस, मेनली हॉस्टल कैंपस। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मेन रोड जहाँ से हमें आना पड़ता है हॉस्टल कैंपस में आने के लिए। और इधर सामने एम्स का जो हॉस्पिटल है वो भी पड़ता है। हॉस्पिटल से थोड़ा 1 किलोमीटर आके हमारा हॉस्टल कैंपस है, और ये मेन रोड इधर तक भी है। तो हम अभी चलेंगे हॉस्टल के अंदर, कैंपस के अंदर। तो ये है हमारा मेन गेट जहाँ से हम अभी इंटर करेंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, ये है रेसिडेंशियल कैंपस का गेट, और उधर एक और भी गेट है जहाँ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो हम आ गए हैं अभी हमारे हॉस्टल कैंपस के अंदर। ये जो आप बिल्डिंग सारे देख रहे हैं, कुछ कुछ रेसिडेंशियल कैंपस के बिल्डिंग हैं और कुछ कुछ हमारे हॉस्टल कैंपस के भी है। तो इधर जो रास्ता जा रहा है, इसमें से मेन जो टीचर्स लोगों का बिल्डिंग होता है वो है, हम अंदर नहीं जा सकते, पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और इधर हम आगे जाएंगे ना तो हमें एक बास्केटबॉल कोर्ट भी मिलता है, बहुत बड़ा है, उधर हम नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम इस साइड एक बार देख लेते हैं। इस साइड है हमारा मेंटेनेंस रूम है, थोड़ा सा आगे जो रास्ता दिख रहा है उधर एक मेंटेनेंस रूम रहता है। और इधर आप पास में जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो, ये सब है हमारा टीचर्स का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ऐसे 7-8 फ्लोर तक बिल्डिंग है, बहुत सारा है, जहाँ पे सारे टीचर्स डॉक्टर्स लोग भी रहते हैं, इधर प्रोफेसर्स लोग रहते हैं। तभी हम सामने चलते हैं। अभी मैं आपको और एक बार डायरेक्टर बंगलो दिखाती हूँ। इधर आपको देखने को मिलेगा ये जो ग्रीन और वाइट कलर का बंगलो है, ये डायरेक्टर का बंगलो है, एम्स का डायरेक्टर बंगलो। तो इधर भी जाना अलाउड नहीं है, तो मैं उधर सामने जाके आपको नहीं दिखा सकती। तो हम अभी रास्ते पे चलते हैं, और आगे जो जो आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक ऐसे ही हमारा टीचर्स का ही एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। और इधर ना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का सारा नाम होता है, जैसे टाइप 3 टाइप 4। और ये है डायरेक्टर का बंगलो जिसका मैंने बात कर रही थी, उधर मैं आपको जाके नहीं दिखा सकती हूँ। उधर एक होटल भी है जहाँ पे आप ऐसे गेस्ट आके इधर रह सकते हैं, उसके लिए परमिशन कराना पड़ता है। तो मैं उधर नहीं जा सकती हूँ, अभी आपको सामने दिखाती हूँ। ये है हमारा एक छोटा सा लॉन, इसको डायरेक्टर लॉन बोलते हैं। इधर छोटा मोटा गेम्स जो होता है ना वो सब हो जाता है छोटा मोटा, और शाम को इधर आके सारे बच्चे लोग खेलते भी हैं। तो ये देखो, इसका जैसे नाम हो गया टाइप 3, ऐसे सारे हॉस्टल का कुछ नाम है, हॉस्टल नहीं सॉरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का सारे कुछ नाम होते हैं। अभी सामने जाके आपको फर्स्ट ईयर वाला हॉस्टल दिखाती हूँ मैं। इसी रास्ते से पड़ता है वो फर्स्ट ईयर वाला हॉस्टल, अभी मैं सामने उसी की तरफ जा रही हूँ। तो इधर आप जो ये छोटा वाला जगह देख रहे हो, ये है एक गार्डन, मतलब पार्क जैसा है। इधर सारे जो टीचर्स के बच्चे हैं वो आके खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी आके बैठते हैं, लेकिन मेनली ये बच्चों का खेलने का ही जगह है। इधर आपको ऐसे झूला वगैरह स्लाइड वगैरह देखने को मिलेगा। तो आगे जाके जो सामने आपको दिख रहा है ना वो छोटा सा घर, वो है फायर स्टेशन आप बोल सकते हैं। इधर जो फायर डिपार्टमेंट है, कहीं पे आग आग लग जाए तो इन लोग जाते हैं। और इधर आसपास ऐसे आपको बिल्डिंग जैसा दिखेगा थोड़ा बहुत, ये सब ना इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल रूम है, इधर से सारा इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई वगैरह जाता है। तो ये मेनली ये हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्स है, इधर का इलेक्ट्रिकल रूम है। और जो हमारा हॉस्टल है उधर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। ये है फायर स्टेशन। और आपको जो अभी मैं बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये है हमारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है। मेनली रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का ही एक बिल्डिंग है, लेकिन इसको बाद में हॉस्टल बना दिया गया है। अभी आपको दिख रहा होगा, मैं सामने जाके दिखाती हूँ थोड़ा। ये है हमारा फर्स्ट ईयर का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है यही है। इसका नाम है टाइप 2A, शायद आपको दिख रहा होगा दूर में लिखा हुआ है। अभी तो हमारे जाने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है, इधर शेड लग गया है, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ये है हमारे फर्स्ट ईयर का हॉस्टल। मैं कभी इसका टूर भी करवाऊँगी आपको, पहले आप देख लो। ये है हमारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल। मैं पहले से जो गेट से आई हूँ उधर सीधा आके ही फर्स्ट ईयर का हॉस्टल आता है, और ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जब आओगे तो आपको इन्हीं के टीचर्स लोगों के आसपास ही रखा दिया जाएगा।
तो इधर एक है, ये है टेनिस कोर्ट है। इधर सारे डॉक्टर्स लोग और स्टूडेंट लोग टेनिस खेलते हैं, मेनली डॉक्टर्स लोग ही खेलते हैं, स्टूडेंट उतना अलाउड नहीं है। तो इधर इधर रात को बहुत अच्छा अच्छा टेनिस प्लेयर आते हैं और टेनिस खेलते हैं। तो अभी सामने जाके आपको दिखाती हूँ एक मेन लॉन जहाँ पे हमारा कायस्मा हुआ था। तो अभी सामने चलते हैं। और दूर में एक और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें सारे नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह ही रहते हैं ज़्यादातर, जो कि मैंने देखा है अभी तक। एक छोटा सा ऐसे ग्राउंड बना दिया गया है इधर से, पहले तो इधर से जंगल होके रखा था, अभी तो ग्राउंड बन गया है थोड़ा। ये जो बिल्डिंग है ये भी एक ऐसे ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही है, इसमें सारे नर्सिंग ऑफिसर्स लोग ही रहते हैं मेनली। और सामने चलते हैं, आपको मेन वाला ग्राउंड दिखाती हूँ जिसमें हमारा कायस्मा हुआ था। और कायस्मा में जो सारा स्टॉल वगैरह लगता है सब इसी के सामने लगता है। इधर बहुत सारा पेड़ पौधा देखने को मिलेगा, वैसे ये पर्सनली ये लोगों ने लगाया है, तो ये सब कायस्मा का ही डेकोरेशन का था, अभी तक रख दिया है पता नहीं क्यों। ये जो बड़ा वाला आप ऐसे फील्ड देख रहे हो ये पूरा कायस्मा का कैंपस है। और आज वो इधर देखो गाइस कितना सुंदर होकर रखा है, ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड। तो अभी जो मैंने आपको टाइप टू ए दिखाया था, टाइप टू ए जो हमारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, उसके ही सामने एक रास्ता है। हमारे टाइम में तो जंगल हुआ करता था, अभी तो इसमें प्लेट्स वगैरह बसा दिया गया है। तो इधर वॉल में जो पेंटिंग देख रहे हैं ये सारे कायस्मा के टाइम में हुआ है, स्टूडेंट लोग ही किया है, अच्छे से देख लो बहुत सारा पेंटिंग है। और ये जो रास्ता है ना ये थोड़ा शॉर्टकट है बाकी हॉस्टल में जाने के लिए, बाकी सामने जो कैंपस है उसमें जाने के लिए, नहीं तो आपको दूर से घूम के जाना पड़ता है। वो भी रास्ता मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन टाइप टू से आप अगर जा रहे हो कैंपस में तो यही रास्ता सबसे शॉर्टकट है। ये कायस्मा का मेन जो थीम वाला पेंटिंग होता है, हर साल एक नया नया बनता है, ये है कायस्मा का मेन थीम वाला पेंटिंग। और ये जो बड़ा वाला नया हॉस्टल देख रहे हो ये है ब्लॉक एफ, ये अभी तो बॉयज़ लोगों का हॉस्टल है, अभी पिछले साल ही नया ये मतलब ओपनिंग हुआ है, तो अगले साल पिछले साल से ही इसमें MBBS का बॉयज़ लोग ही रह रहे हैं। और हमारा जो टाइप टू है वो पुराना हॉस्टल है, ये बस नया बना है, इसमें MBBS और पैरामेड के फर्स्ट ईयर वाले बॉयज़ सारे रहते हैं। और सामने एक और आपको बिल्डिंग दिख रही होगी थोड़ा सा पुराना, उसमें सारे SR JR डॉक्टर्स लोग रहते हैं। वैसे नया वाला हॉस्टल बहुत अच्छा है, बाहर से तो दिखता है, पता नहीं अंदर क्या क्या है। ये जो हॉस्टल है ये भी हॉस्टल बोल सकते हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, इसमें सारे डॉक्टर्स लोग रहते हैं। और सामने चलते हैं, इधर कुछ कुछ गाड़ी के पार्किंग्स भी है। अभी सामने जो आपको हॉस्टल दिख रहा है पूरा सीधा ये हॉस्टल के पिछली तरफ है, इसका सामने एक्चुअल में हॉस्टल है, ये हॉस्टल का पीछे वाला पार्ट है जो दिख रहा है आपको। और ये एक रोड है जहाँ से हम कैंपस में अभी जाएंगे, पूरा घूमेंगे। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अभी जा रही हूँ मैं, इस रास्ता लॉन्ग रास्ता है। तो अभी चलते हैं जो आपको मैंने ये वाला हॉस्टल दिखाया इसके सामने। तो अभी हम जा रहे हैं PG 1B एंड PG 2B देखने के लिए, जो हमारे फोर्थ ईयर का हॉस्टल है और MSC का हॉस्टल है। मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ, ये ऐसे थोड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास है। तो ये जो हॉस्टल देख रहे हैं आप अभी, ये है हमारा PG 1B, इसका नाम है PG 1B। इसमें सारे हमारे फोर्थ ईयर के सीनियर्स, इंटर्न्स, कुछ कुछ JR डॉक्टर्स और MSC लोग रहते हैं। ये है गर्ल्स हॉस्टल PG 1B, इसमें मैं कई बार आ चुकी हूँ सीनियर्स से मिलने। और ये है PG 1A हॉस्टल, ये बॉयज़ का हॉस्टल है, मतलब जो इंटर्न लोग होते हैं उनका हॉस्टल है, डॉक्टर्स वगैरह भी रहते हैं इधर। तो अभी सामने आप देख रहे होंगे दो बिल्डिंग और बीच में एक छोटा वाला डाइनिंग हॉल 2। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ये वाला बिल्डिंग, ये इसमें MBBS के सारे गर्ल्स लोग रहते हैं सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर MBBS में सारा गर्ल्स पैरामेड और नर्सिंग सारे लोग PG वो जो बोला था मैंने टाइप टू में रहते हैं, और अभी इसमें रहते हैं सारा MBBS के गर्ल्स लोग सेकेंड ईयर से पूरा फोर्थ ईयर तक। और सामने जो है वो है डाइनिंग हॉल 2। और ये भी एक लड़के लोगों का MBBS और पैरामेड का हॉस्टल है, अभी मैं इसके सामने जाके आपको नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो इधर इधर तीन चार हॉस्टल है, आप देख लो पूरा ऐसे। उधर है नर्सिंग का हॉस्टल वो वाला, और ये वाला MBBS का फाइनल ईयर वाला हॉस्टल। तो अभी चलते हैं हमारे खुद का हॉस्टल थोड़ा देख लेते हैं। ये एक रास्ता है, इसी रास्ते से मैं आपको एक बार कायस्मा की जो वीडियो दिया था वो इसी रास्ते से जाके दिया था मैंने आपको। तो इधर ही सारे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग होके रखा है।
देख रहे हो ये कायस्मा का पिछली बार कायस्मा 5.0 का पेंटिंग है सारा, और इस बार भी कुछ नया नया बना है, देख लो बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग है। तो सामने जाके अभी हम देखेंगे दूसरा हॉस्टल। ये जो हॉस्टल है इसमें सारे बॉयज MBBS वाले रहते हैं। तो देख लो अभी आप पेंटिंग कायस्मा की, सारा जो वॉल में पेंटिंग है। देखते देखते चलते हैं हमारे ब्लॉक के हॉस्टल की तरफ, जो कि हमारा हॉस्टल है। तो देख लो गाइस, देख लो अच्छा अच्छा पेंटिंग है। अब भी आएंगे, कोई आर्टिस्ट होगा तो आपको भी बनाना है पेंटिंग आके। इस साइड पे देख लो, जो मैंने बताया था एक और रास्ता है जो कि लंबा होता है, वो उधर से आके इधर आ सकते हैं, और आप पीछे से भी आके आ सकते हो, बहुत सारा रास्ता है। अभी तो लगेगा कि भूल भुलैया है। ये जो आप फील्ड देख रहे हो, इधर होली होता है, मेनली होली का मैच होता है, और उधर एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वगैरह है, और ये है एक हॉस्टल जिसका नाम है ब्लॉक डी। तो इसमें भी बॉयज लोग रहते हैं MBBS का, और पिछले वाला भी जो दिखाया था उसमें भी बॉयज लोग रहते हैं। इसमें बस सीनियरिटी और जूनियरिटी का डिफरेंस है, मतलब जो ऐसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाला है उधर रहेंगे, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर वाले डॉक्टर्स वगैरह उधर रहते हैं, ऐसे किया जाता है सेपरेशन। वो देखो वो वाला एक हॉस्टल है, वो भी बॉयज हॉस्टल है, उसका गेट उस तरफ है, एक बार जाके आपको दिखा दूंगी। ये जो है ये DH1 है, एक मैंने आपको उधर दिखाया DH2, अभी ये देख लो DH1 का पीछे की तरफ है। हम जा रहे हैं ब्लॉक की तरफ, तो ये देख लो कैसे है DH1, जहाँ पे हम रोज खाना खाते हैं, आपको खाना दिखाती हूँ रोज। तो अभी आ रहा है हमारा हॉस्टल सामने, देख सकते हो वो जो लाल पीला वाला हॉस्टल आपको दिख रहा है, ये है हमारा ब्लॉक का हॉस्टल। तो ये है हमारा ब्लॉक का हॉस्टल, बहुत बड़ा है, इसमें सारे नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टूडेंट भी है, और इसके पूरा उल्टा तरफ आप देख सकते हो डाइनिंग हॉल 1, इसमें हम खाना खाते हैं डाइनिंग हॉल 1 में। तो ये है हमारा ब्लॉक के हॉस्टल, आप देख लो कितना बड़ा है, 7-8 फ्लोर तक है इसका पूरा, बहुत सुंदर हॉस्टल है। कभी हॉस्टल का भी टूर आपको दूंगी मैं, इस वीडियो पे तो पॉसिबल नहीं है। देख लो सर दीदी बैठी है, मार्टिन दीदी। तो ये हमारा ब्लॉक का हॉस्टल, इसके पूरा उल्टा तरफ ही है हमारा DH1। तो अभी हम उधर जाके थोड़ा देखते हैं, जो बॉयज हॉस्टल है आपको बोली थी उधर मेन गेट है, तो उधर थोड़ा सा मैं जाके दिखा देती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं बॉयज हॉस्टल की तरफ, इधर हर वॉल में ऐसे पेंटिंग हुआ रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पेंटिंग आता है, सब लोग करते हैं मिल के पेंटिंग। जो इधर से जो रास्ता जाता है हमारे हॉस्टल के पास से, ये जो सारे हॉस्टल सब देख रहे हो, ये सारे बॉयज का हॉस्टल है, जो पीछे से मैं आपको दिखा रही थी उस रास्ते से, ये सामने से है। ऐसे हॉस्टल का सारा नाम होता है, आपको जब अलॉटमेंट होगा हॉस्टल तो आपको नाम बता दिया जाएगा आपको कौन सा हॉस्टल में मिलेगा। तो यही है, अभी तो शाम का टाइम है, ऐसे साफ सफाई चल रहा है। तो अभी हम कैंपस के पूरा दूसरे साइड पर आ गए हैं, एक गेट मैंने आपको उधर दिखाई थी जो है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का गेट, अभी हम जा रहे हैं जो हमारे हॉस्टल कैंपस का गेट है उसकी तरफ, हॉस्टल कैंपस का गेट, इसमें से ही हम कॉलेज जाते हैं। एक बार आपको रास्ता दिखा देती हूँ, फुटब्रिज, इस फुटब्रिज से होते हम कॉलेज जाते हैं, और वो जो एक गेट है हम उधर से भी जाते हैं। ऐसे हॉस्टल से उस साइड से भी हम आ सकते हैं, इस साइड से भी आ सकते हैं। जो ये आपको दिख रही है ना फुटब्रिज, ये डायरेक्ट कनेक्ट करती है पूरा हॉस्टल कैंपस के साथ, हमारा कॉलेज कैंपस, इसमें से आप जा सकते हो पूरा चढ़ के, अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ। ये पूरा डायरेक्ट उधर आपको कॉलेज कैंपस में उतार देगा, हमारे कॉलेज के ही सामने, नर्सिंग कॉलेज के सामने। और ये जो मेन गेट आपको दिख रहा है, ये है हमारा हॉस्टल कैंपस का गेट, इसमें ऐसे सिक्योरिटी भैया रहते हैं, और इधर हम रास्ते से जाएंगे तो हमारे कॉलेज कैंपस आएगा, हमारे हॉस्टल कैंपस का गेट है उधर जो है ब्रिज के उस पार। ये देखो फुटब्रिज, वाले फुटब्रिज जो है कनेक्ट करता है दोनों साइड को, और इधर से मैं जो अभी रास्ते से जा रही हूँ, इसमें से सामने जाके हमारा हॉस्टल कैंपस आएगा। वो देखो फुटब्रिज दिखता है ना, वो पूरा हॉस्टल कैंपस कॉलेज कैंपस कनेक्ट करता है,